कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और जब ऐसी महामारी सामने आती है तब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि टेस्ट किए जाएं और तेजी से किए जाएं। लेकिन क्या हम वायरस से भी तेज हो सकते हैं? COVID-19 के दौर में टेस्टिंग से ही पता चल सकता है कि कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं और कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन हर देश में टेस्ट उतनी संख्या में नहीं हो रहे और ना ही टेस्टिंग हर किसी के लिए अवेलेबल है। इसके पीछे कई कारण हैं। वक्त, संसाधन, सैंपल कलेक्ट करने की समस्याएं, टेस्ट किट और टेस्ट करने वाले एक्सपर्ट्स की कमी। फिलहाल कई देश धीमी शुरुआत के बाद अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पर ये टेस्ट की संख्या बढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि COVID-19 टेस्ट की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें बहुत सी चीज़ों के कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। पहली चीज़ तो ये कि पर्याप्त टेस्ट किट होने चाहिए। नाक का सैंपल लेने के लिए लंबे स्वैब और केमिकल्स चाहिए। फिर इन्हें ट्रेंड लैब टेक्नीशियन के पास भेजा जाता है जो PCR मशीन पर इन सैंपल्स को परखते हैं। फिर सही लोगों तक रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने का काम। जिन लैब्स में पहले रिसर्च हो रहा था अब वहाँ टेस्ट्स हो रहे हैं। इन लैब्स पर जिम्मेदारी है कि वे ठीक से टेस्ट करें और साथ ही साथ मरीज की जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करें और फिर रिजल्ट भी हेल्थ वर्कर्स को रिपोर्ट करें। टेस्ट किट के लिए रॉ मटेरियल मिलना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि वे सब सही मात्रा में मिक्स किए गए हों। हर ब्रांड के टेस्ट में कम से कम 20 केमिकल्स होते हैं। ये किसी दवाई बनाने जैसा ही काम है। टेस्ट करना आसान है लेकिन इसे बनाना मुश्किल। टेस्ट की शुरुआत सैंपल कलेक्ट करने से होती है। पहले संभावित मरीज के नाक से स्वैब लिया जाता है। ये कोई ईयरबड जैसा नहीं होता, ये पतली सी लंबी स्टिक होती है जो कान तक जा सकती है। ये कॉटन की नहीं, नायलॉन या फोम की बनी होती है। तो एक समस्या तो इन स्वैब्स को बनाने में ही हुई। इटली की एक कंपनी ये स्वैब बनाती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते प्रोडक्शन बंद था तो सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी। एक और जगह एक कंपनी में वर्कर्स की कमी थी, इसलिए इन स्वैब्स का मिलना भी दुर्लभ हो गया। साथ ही वेंडर्स अब 10 गुना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अब अगला स्टेप, सैंपल वाले इस स्वैब को लैब में लाया जाता है। ट्रेंड लैब टेक्नीशियन को इसे बायोसेफ्टी हैजर्ड बॉक्स में रखना होता है, यानी ऐसा बॉक्स जिससे वायरस बाहर ना जा सके। ऐसा करते हुए टेक्नीशियन को प्रोटेक्टिव कपड़े पहनना भी जरूरी है। ये प्रोसेस काफी खतरनाक होता है। एक बूंद गिरना भी खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ एक बूंद में लाखों वायरस हो सकते हैं जो लैब और लैब वर्कर को संक्रमित कर सकते हैं। हो सकता है गलती से किसी और सैंपल में मिल जाए, मतलब एक गलती बहुत कुछ बदल सकती है। कई देशों में इतनी स्किल से काम करने वाले एक्सपर्ट टेक्नीशियन बहुत कम है। टेस्ट करने के भी दो फेज होते हैं। पहला, स्वैब पर लगे सैंपल को निकालना और फिर डिटेक्ट करना कि वायरस है या नहीं। डिटेक्शन में भी वक्त लगता है और एक्सपर्ट लैब टेक्नीशियन की जरूरत होती है। टेस्ट ना होने से भी ज्यादा बुरा है कि टेस्ट गलत हो जाए। कई बार एक बीमार व्यक्ति का टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। कैसे? क्योंकि कई बार मरीज के फेफड़ों में वायरस होता है और नाक में नहीं होता, इसलिए स्वैब पर नहीं चिपकता, या कई बार सैंपल ही ठीक से नहीं लिया गया होता। फिलहाल ज्यादा चर्चा एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर हो रही है। इस टेस्ट से पता चलता है कि किसी को पहले संक्रमण हो चुका है और उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी भी बन गई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एंटीबॉडी बनने के बाद फिर से वायरस का संक्रमण उस व्यक्ति में नहीं होगा। लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट तैयार करना भी चुनौती भरा है। इसमें यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि COVID-19 के खिलाफ बना इम्यून सेल ही पकड़ में आए, ना कि कोरोना वायरस के जैसे किसी और वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ बना इम्यून सेल। फिलहाल भरोसेमंद एंटीबॉडी टेस्ट मौजूद भी नहीं है। UK ने लाखों एंटीबॉडी टेस्ट खरीदे लेकिन वे खराब निकले। भारत ने भी रैपिड टेस्ट किट मंगाए लेकिन कुछ राज्यों की तरफ से शिकायत आई है कि वे ठीक काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात जो इस महामारी से सीखने वाली है वो ये कि पूरे विश्व को खुद को इन खतरनाक वायरस के लिए तैयार करना होगा। उस तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण है दुनिया में एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें जल्दी कारगर टेस्ट तैयार किया जा सके और जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी हो सके।